आप सभी जानते होंगे पक्षियों का राजा बाज होता है जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की होती है। लेकिन बाज के जीवन में भी एक ऐसा वक्त आता है जब उसका जीवन दांव पर लगा होता है। बाज जब 40 वर्ष का हो जाता है तब उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता। उसकी चोंच और नाखून कमजोर हो जाते हैं जिससे कि वो शिकार को दबोच नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। और ये वक्त बाज के जीवन का सबसे बुरा वक्त होता है। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, वो खुद को बूढ़ा घोषित कर दे और मरने का इंतजार करे। और नंबर दो, वो अपने पंख, चोंच और नाखून को तोड़ दे ताकि प्रकृति उसे नए पंख, चोंच और नाखून दे। आपको जानकर हैरानी होगी, बाज सेकंड ऑप्शन को चुनता है। बाज अपने नाखून और चोंच को पत्थर से मार मार के तोड़ देता है और जब कुदरत से उसे नए चोंच और नाखून मिल जाते हैं तो वो अपने नाखून से ही अपने दोनों पंख भी तोड़ देते हैं ताकि उसे नए पंख मिल सके। 6 महीने के बाद प्रकृति से उसे नए चोंच, पंख और नाखून मिल जाते हैं जिससे कि अब वो अपने बचे हुए 30 साल नए जीवन की शुरुआत कर सके। ये 6 महीने उसे बेहद तकलीफ होती है लेकिन वो ये भी जानता है कि 6 महीने का दर्द, 6 महीने का दुख उसके आने वाले 30 साल तक उसकी ताकत बनकर उसके साथ रहने वाला है। बाज के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, यदि हमारे जीवन में बुरा वक्त आ गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो रोने का कोई फायदा नहीं। हमें पूरी जान लगाकर नई शुरुआत में जुट जाना चाहिए।